भ्राम्यम सुखम चा दुखम चा, कि इस संसार के कष्ट जो हैं वो परमानेंट नहीं, वो परमानेंट नहीं, तो वो आए हैं, दुखी मत होइए, वो चले भी जाएंगे। यहां की कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं है, तो अगर जीवन में दुख भी है तो वो भी परमानेंट नहीं है, तो फिर दुखी क्यों, चला जाएगा। हर परिस्थिति टेम्परेरी, कष्ट भी टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, और वो भी चला जाए। जब भक्त, महान भक्तों के जीवन में कष्ट आया या जब भक्तों ने विलाप किया, तो उस विलाप के कारण एक बहुत महान घटना ने जन्म लिया। जैसे माता देवहूति ने रोई कि मैंने कदम मुनि का संग तो किया लेकिन उनका उनका लाभ नहीं उठाया, और उनके विलाप के कारण क्या जन्म लिया, कपिल शिक्षा। भगवान कपिल देव ने तब उनको शिक्षाएं दी। व्यास देव जी रोए कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्या जन्म हुआ, भागवतम। वाल्मीकि मुनि रोए दो पक्षियों के जोड़े को एक साथ मरते हुए देखकर, और जन्म हुआ रामायण। युधिष्ठिर महाराज रोए युद्ध के बाद 64 करोड़ योद्धा मेरी वजह से मरे, और क्या जन्म हुआ, विष्णु सहस्र नाम भीष्म देव के मुख से निकले, भीष्म शिक्षा। अर्जुन ने विलाप किया और जन्म हुआ भगवत गीता। तो जब महान भक्तों के जीवन में कष्ट आया, उनके विलाप से एक महान उत्पत्ति हुई। तो यानी कि ये जो विलाप उनके जीवन में था, ये भगवान की व्यवस्था थी। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी भागवतम प्रस्तुत करता है। तो जब हम रोए तो सोच लेना चाहिए कि मेरे रोने से कुछ अच्छा होने वाला है, तब रो सकते हैं, और अगर नहीं तो कोई जरूरत नहीं, ये कष्ट टेम्परेरी है, चले जाएंगे। इस संसार की सब परिस्थितियां टेम्परेरी चली जाएंगी, तो उनके लिए रोकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।